नमस्कार। अपनी बस्ती अपने लोग की इस कड़ी में जन यातायात की समस्या को उठाया गया है। ये समस्या कोई नई नहीं है, आप भी इससे परिचित होंगे। अनुशासन में रहकर बसों में चढ़ना उतरना और बस स्टॉप पर लाइन में खड़े रहकर परेशानी को कम किया जा सकता है और कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसमें यात्रा में अनपढ़ लोगों को होने वाली परेशानियों की तरफ भी इशारा है। आइए शिक्षा और समझदारी के साथ हम अच्छे नागरिक बनकर अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाएं और देखें कि किस तरह एक नाटक मंडली ने अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। तो बहुत देर से आई ना। हाँ। मैं तो गाड़ी के आने से एक घंटा पहले पहुंच गए थे स्टेशन। पता नहीं क्यों बीच में रुकती रुकती चली। तू एक घंटा पहले क्या करने आया? अरे वो बदली गांव गई है ना, उसी को गाड़ी चलाना था इसलिए। अच्छा। बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे घुल मिल जाती है जैसे। तुझसे तो कुछ ज्यादा ही घुली मिली हुई है। अब देख, तूने उसे अपनी बहन बनाया ना, तो तेरी बहन तो मेरी साली हुई, और तू तो जानती है साली आधी घरवाली होती है। तू क्या सोच रहा है, ऐसी बातों से मैं जल भूल जाऊंगी? अरे दो चार दिन रुकी रह जाती, मैं मिलके चली जाती उससे। बहुत दिन हो गए उससे मिले। क्या हुआ, खो गया उसके ख्याल में? अरे छोड़ छोड़। मैं तो ये कह रहा था कि वो घर में सब ठीक है ना, माँ बापू चाचा सब ठीक है? बहुत याद कर रहे थे तुझे, तू भी थोड़े दिन के लिए गाँव हुआ। अरे समय कहाँ मिलता है। अरे मूछ क्यों उगाली? अरे मन चाहे मूछ उगा ली, मन चाहेगा मूछ काट देंगे। अरे एक ही तो चीज है जिसपे सरकार का टैक्स नहीं है। आजा आजा ध्यान से वो सड़क पार कर ले आजा। अरे मैं कोई शहर पहली दफा आई हूँ, ये सब पता और अब सब जानते। पहले दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ो और कर लो सड़क पार। अच्छा आजा, वो है बस स्टॉप। आजा 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 आजा। देख बिंदी लगा रखी है, बड़ी सटी लग रही है। आजकल जमाना क्या आ गया भाई, बस तो आने रही है। चल ऐसे टाइम पास कर ले। अरे भैया एक टिकट खरीदी का देना। अरे भैया आईटीओ जा रही है, पढ़ नहीं सकता बोर्ड। चल चल भैया, इतने पढ़े लिखे होते तो बात ही क्या थी। अपने नंबर की बस तो ना जाने कब आएगी भैया। अब देखिए इस सड़क से गुजरे हुए बस को 10 मिनट से ऊपर हो गया। इन बस वालों तो यही हाल है भैया, ले आए तो एक नंबर की चार चार बस एक साथ ले आए, ना आए तो घंटे आठ घंटे के लिए कॉल। और हाँ, बस अगर आ भी गई तो बस स्टॉप से इतनी दूर, इसीलिए तो बस स्टॉप पे लाइन ही नहीं लगती। सभी का दोष है भैया, जो बसें चलाते हैं उनका भी और जो बसों में चलते हैं उनका भी। अब बसों में भाग कर चढ़ना या बस से उतरना, अपनी मौत को बुलाना ही तो और क्या भैया। ये तो वही लोग कहते हैं जिनको भाग के बस में चढ़ना। ले ले शायद अपनी बस आ गई। चल 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 चल। अरे गंगा हाथ लगा ना, रुकेगी या चली जाएगी।
गया गंगा। चलो भाई चलो ले ले ले। अरे सब ठीक है, तुम इतना याद करो, मैं तभी यहाँ चलूँगा। मैं तुमसे कहा था ना थोड़ा पहले आना, अब टिकटें मिलने में आज वैसे भी रश होगा, अब टिकटें मिलेंगी? मैं तो आ रही थी पर मम्मी ने रोक लिया। क्या बात है यार, बड़ा दिनों से दिखाई नहीं पड़ा। लखनऊ चला गया था मैं। अच्छा कल तुझे बड़ा ढूंढ रहा था यार। क्यों? यार वो रमेश है ना अपना लड़का, वो फिल्म हॉल में काम करता है। कल वो दो टिकट ले आया मर्द। अरे मर्द तो मैंने देख ली, कहां पे? लखनऊ में। अच्छा नाश्ती वास्ती है कुछ जबरदस्त, अपने मंजू से नहीं मिलती? मंजू कौन बोली भाई? यार वही जो अपनी फर्स्ट ईयर में आई है लड़की, वो मंजू, मंजू श्रीवास्तव। हाँ मंजू श्रीवास्तव। क्या चीज है मतलब है यार, और बता क्या हो रहा है? दिन में आते हैं बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, रेखाओं को देखते हैं। देखो बहन जी 17 गाड़ी है, आप तो ठीक से खड़े नहीं हो सकते। ठीक से तो खड़े हैं और कैसे खड़े हो? लीव इट यार, दिस गाइस आर प्रॉब्ली। देखिए वहां सीट खाली है, वहां लेके। कौन सी सीट खाली है? सीट खाली है बताइए, कौन सी खाली है? ये सारी लड़ाई तो कुर्सी की है आजकल यार, लोगों को ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता है। अरे जबरदस्ती लगा लेने चाहिए यार, तो वो लग रही है फालतू में। सो छोड़ यार, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। हां वो ना थर्ड ईयर में लड़की, वो दिस राइटर, क्या नाम उसका? ही कीप्स ट्राइंग टू सीमा, वो जो टाइट जींस पहन के घूम रहा है वो उसको। अरे कल मिली थी मुझे अपने वो जारी रहे यहां के साथ। अच्छा ये मत कह यार, उसके पीछे तो 3 साल से लाइन लगा के बैठे हैं। क्या बदतमीजी है, अब गिरे जा रहे तब से गिरे का जा रहे हैं, मजबूती से पकड़ के खड़े हैं डंडा, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी मजबूती से पकड़ा होता ना तो आप उनके ऊपर गिरते ना। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है सीधे खड़े होने की, बस मैं धक्के तो लगते हैं। तकलीफ है तो टैक्सी में चला करिए। ड्राइवर साहब झगड़ा हो रहा है, गाड़ी ले चलो ना। अरे छोड़ो यहाँ तो होता ही रहता है, सब अभी ठीक हो जाएगा। देखिए बस में ये सब चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस में आइए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, नाटक हो रहा है ये। क्या सब हो रहा है? हाँ नाटक, नाटक। खिड़की से तुम बाहर मत देखो मेरे भाई, अपने दिल को जरा टटोलो खुद ही मेरे भाई। क्या माँ बहने नहीं तुम्हारी बस में चलती, क्या घर वाली नहीं तुम्हारी फिक्रे सुनती। अपने दिल से खौफ निकालो, कायरता को छोड़ो, बेइज्जत कर डालो इंटर चोको तुम मत छोड़ो। अरे जुल्म कमाना फोड़ो, भाई जुल्म कमाना फोड़ो। ज्यादा बकबक करे कोई या रोस दिखाए, हम कहते हैं गाड़ी सीधे थाने जाए। होश ठिकाने आ जाएंगे ठंडे खाके, मजनू सीधे हो जाएंगे घर के पाके। कोशिश करो तुम इनकी शेखी तोड़ो, बेइज्जत कर डालो इंटर चोको तुम मत छोड़ो। फैजुल का भांडा फोड़ो, फैजुल का भांडा फोड़ो। देखिए भाई लोगों, ये तो था नाटक, लेकिन सच बात तो ये है, हमारी बस में रोज इस तरह से माँ बहनों को छेड़ा जाता है, लेकिन हम ये सब चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन क्या हमारी ये चुप्पी, क्या ये अन्याय नहीं है? आखिर कब तक हम ऐसा सहते रहेंगे? आज एक आदमी ने आवाज उठाई है, कल दो ऐसे आदमी आवाज उठाएंगे, परसों 3। अगर हम सब मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं तो ना इन गुंडों की हिम्मत बढ़ेगी और ना ही हमारी माँ बहनों का से छेड़ा जाएगा। आखिर में भाई लोगों, अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ कीजिए। राम राम भैया, राम राम। इसे कहते हैं पढ़े लिखे की बात। और इसे कहते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़। माफ करना साहब, कोई बात नहीं।
मेरा पर्स। क्या हुआ साहब? किसी ने मेरा पर्स मार लिया। कितने रुपए थे? 200 से तो ऊपर ही थे। तब तो बहुत बुरा हुआ साहब, ना जाने कौन हादसा कर गया। अरे साहब, जिसमें भी जेब काटी होगी वो अब तक बैठे थोड़ी रहा होगा, ना जाने कब का किसा दिया होगा। भाई साहब, आपको किसी पे शक है क्या? हाँ हाँ है, मुझे इसी पर शक है। इसी ने मुझे धक्का मारा था। पहले तो मेरा पर्स मेरी जेब में था, मेरा पर्स इसी ने उड़ाया है। ए साहब, जरा सामान संभाल के बात करो, अपना सारी हीरो पट्टी झाड़ कर रखूंगा। तुम्हें जेब कपड़ा दिखा दे रहा हूँ। घबराते कहाँ पर? लीजिए ना तलाशी। मिल गया बटुआ। अरे बोलो ना बाबू साहब, चुप्पी क्यों साधे हो? मिल गया बटुआ? और तू भी तो बहुत दादागिरी दिखा रहा था बे। तेरे पीछे ले करवा के मानेंगे। अरे ऐसे किसी को बदनाम करने से क्या फायदा? थोड़ा सा बदनाम तो तुझे भी होना पड़ेगा। ये रहा, यही है मेरा पर्स। कहाँ भाग रहा भाई? कंडक्टर साहब, थाने ले चलो पर्स। ड्राइवर साहब, थाने चलो, थाने फौरन चलो। और कितने मिलेंगे? जी इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने चलती बस में इन भाई साहब का बटवा निकाला था, लेकिन हरिया की नजर से बच नहीं सके साहब। शाबाश हरिया, अगर तुम्हारी जैसी हिम्मत सभी लोग करने लगे तो अपराधी को अपराध करने से पहले हजार बार सोचना पड़ेगा। साहब एक दफा माफ कर दो साहब, फिर कभी नहीं करेंगे साहब, फिर कभी नहीं करेंगे। बंद कर दो इनको साहब, एक दफा और माफ कर दो साहब। साहब अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आजा। अरे देखा गंगा, देख। अरे रेंडे तो पिट्टी से चोर पकड़ ले क्यों उतरा रहा? अरे बस में और कोई नहीं था, अरे ये था जिसने दोनों को धर लिया। इसीलिए मुँह चुका ली क्या? हाँ ये तो ठीक है, बस में और तो किसी के मुँह थी नहीं। देखने में ये लोग कितने भोले लगते हैं। हाँ। तो कितने चंट है। देर तो हो गई मगर एक भला काम हो गया। आजा आजा इधर आजा। ना मिलेगी देखो, इन्होंने तो फिर भी निकलवा दी। भाई पिक्चर ही तो निकली, इन गुंडों का तो इलाज हो गया ना। भैया ये जरा मेरा कागज पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। अरे भैया ऐसा करो, तुम वो सामने वाले बस स्टॉप पे चले जाओ, वहाँ से 332 नंबर की बस पकड़ लो, वैसे भी 10 मिनट का पैदल का रास्ता है यहाँ से। लो भैया, भगवान आपका भला करे। भैया इतना तो पढ़ लिख लो कि अपना काम चल जाया करे। भैया छुटबन में नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़ेंगे? भाई मेरे, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, इतना पढ़ लिख लो कि अपना काम चल जाया करे, जाओ। अच्छा भैया, राम राम। राम राम राम। अपने लो अपने
अपनी गलियां अपने रास्ते, अपना चैन है अपने दुख सुख, अपना चैन है अपने दुख सुख, अपने हैं समाधान, अपने हैं समाधान, अपनी बस्ती।